हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमको आज इतना खूबसूरत मौका मिला, एक जश्न आज़ादी हमने इतने खूबसूरत तरीके से मनाया। और रवीश को तो हम लोग रोज रात में सुनते ही हैं, जितने प्यार से ये कड़वी कड़वी बातें कह देते हैं, शायद कभी के ये कभी लोगों के पास ये होना है कि बहुत ही प्यार से हर चीज़ कहते हैं जिसको हमें सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। चीखने चिल्लाने वालों को तो हम लोग हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं कि चीखना होगा, कोई चिंता होगा, लेकिन जब कोई प्यार से हमें मुखातिब करता है तो हम जरूर उसकी तरफ खींचते हैं। दिल्ली में इश्क करने का वक्त कहाँ है? लोग मिलने के चक्कर में बिछड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया रात होने से पहले बोलने का मौका देने के लिए। मैं आसमान की तरफ देख रहा था कि कहीं बोलने से पहले आज भी रात ना हो जाए, तो दिन में कम बोलने का मौका मिलता है। जब मैं आ रहा था तो मैं भूल गया था कि मैंने भी कोई कविता लिखी है जो यहाँ पढ़ी जा सकती है, तो फिर अभी याद आ गया। मंगलेश जी, जब मैं दिल्ली आया था तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी कवि को जब पहली बार सशरीर देखा था, कवि ऐसे दिखते हैं, तो वो मंगेश जी हैं। और चूंकि इनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ गया, इसलिए इनसे पहले बोलना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, ये जानते हुए भी कि मैं जहां जा रहा हूं वहां देर हो सकती है और देरी मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी चले उसके लिए देरी ठीक है। तो मैंने, जैसे आप सभी लोग प्रेरित होते हैं, मैं प्रेरित होता हूं। जैसे लोग गांधी से प्रेरित हो सकते हैं, तो हिटलर से प्रेरित हो सकते हैं, डर सकते हैं, प्रेरित में डर है। तो जब बेला भाटिया के घर पर पत्थर फेंके गए और नारे लगाए गए तो मैं प्रेरित हो गया। तो प्रेरित होने के बाद मैंने प्रेरित काव्य की रचना की, वही सुना रहा हूं। कुछ अच्छा तो नहीं होगा लेकिन ठीक है, माहौल के हिसाब से जम जाना चाहिए। इधर देखिए उधर मत देखिए हजरात, उधर देखते हैं तो इधर भी देखिए बुकरार। इशारा इस तरफ है उस तरफ नहीं, जेल खाने में बहिश्ते दरिया नुमाया होगी, मैं खाने में पिलाई जाएगी शराब, झूम कर गाएंगे सारे शराबी सोशल मीडिया पर कि ऐसी देखी ना शराब, ऐसी देखी ना शराब। तो वक्त हो चला है जन्नत टाइम का कि मुल्क में हर शाख पर अब कबूतर बैठते हैं, जो उल्लू है वो रात में कबूतर गिनते हैं। ऐसा बदलाव कभी किसी बाजार ने न देखा होगा, ऐसा बदलाव कभी किसी बाजार ने न देखा होगा। दावा है तो दावा सही, दावे का ऐसा मयार न देखा होगा। लात खाकर हवा लात में, मुक्का खाकर मुलाकात से, खबरें जो लिखवाई हैं हुजूरे सरकार ने, जोरे कलम की आजमाइश देखिए, खेलों में रोज आई स्पाइस खेलिए। जीते तो जय, हारे तो जय बोलिए, यहां बोलिए फिर वहां बोलिए, जय के बिना भी जय बोलिए। किसी सुनसान में अचानक से जय बोलिए, किसी शमशान में चिल्लाकर जय बोलिए, दफ्तरों में हर काम के बीच जय बोलिए, जब जहाज दुकानों में हर दाम के बीच जय बोलिए, जब जहाज जमीन पर उतरे तो जय बोलिए, जब जहाज जमीन से उड़ जाए तो जय बोलिए, जय के बिना भी जय बोलिए। जन्नत टाइम की खबरों की जमानत नहीं होती, हम जो कहते हैं वो सही है पर सही नहीं होती। जन्नत टाइम की खबरों की जमानत नहीं होती, हम जो कहते हैं वो सही है पर सही नहीं होती, पर आप इनको सही ही समझना, अब जो भी है उसे इतना ही समझना। टिके नहीं है हम बस लुट गए हैं, डंडे का डर देखकर हम जुट गए हैं। तारीख तारीख है वो मुल्क, एक तारीख लिखेंगे, पुल नहीं बने तो क्या हम पुल बांधेंगे। कि मुल्क में हर राह पर अब राजनी नहीं होती है, लोग लुटा आते हैं अपना ईमान, बेईमानी नहीं होती है। जब से इसे जन्नत घोषित किया गया है हजरात, तब से रात होती है मगर दिन के बाद नहीं होती है। वो आते हैं बड़े नाज से कहने अपने दिल का हाल, वो आते हैं बड़े नाज से कहने अपने दिल का हाल कि जहन्नुम को हमने जन्नत बना डाला है, जहां ना उड़ते हैं अब किसी के सर से बाल,
जहां होता नहीं अब किसी का बाल बांका, नुसरत साहब का गाना स्कूलों में बजाया जाएगा, तुम नहाया करो बाल खोले हुए वरना दुनिया में बदनाम हो जाओगे। इस गाने के बाद से ही लोग नहाने लगे हैं, जावेद साहब न रूठ जाए तो उनको भी गाने लगे हैं, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर, यहाँ का माल वहां लगाया है, वहां का माल यहां लगाया है, हर बात का हुजूर ने कोर्स बनाया है, हर बात का हुजूर ने कोर्स बनाया है, नहाने का भी कोर्स मुकर्रर हुआ है, बाल बनाने का एक दिवस तय होगा, सबको खुले में तौलिया सुखाना होगा। नैतिक शिक्षा देते हैं हुजूर, सबको खुले में तौलिया सुखाना होगा, कोई गंदा अब ना होगा, जो होगा अब वो गंदा ना बचेगा, खाता होगा सबका भले उसमें कुछ ना बचेगा, ख्वाब ऑनलाइन होगा क्लिक होते ही पूरा होगा, ऐप डाउनलोड कीजिए और सपनों को अपलोड, हुजूर का वादा है हर सपना पूरा होगा, माल को चढ़ाना और उतारना यही तो काम है, जन्नत में हर माल का एक ही तो दाम है, जहन्नुम के ख्यालात से बचना है तो जन्नत टाइम देखिए, खुशामद ना बचे तो जरा ब्रेक ले लीजिए, जाने से पहले चंद सावधानियां सुनते जाइए, जेल जाने की तमाम धाराएं पढ़ लीजिएगा, इस धारा पर जेल से बचने के नहीं है उपाय, मालूम कर ले वरना हम देते हैं बताए, आपत्ति ही संपत्ति है कुछ तो लिखो आपत्ति जनक, जेल ही जन्नत है कुछ तो लिखो जेल जनक, बचने का तो एक ही रास्ता है, बच्चन साहब की फिल्म आखिरी रास्ता है, डबल रोल में निकल आइए, जो इंटरवल के पहले कहा उससे बाद में मुकर जाइए, कोई बेला है छत्तीसगढ़ में उनको समझा दीजिए, घर पर पत्थरों की जगह नारे फेंकवाने का ये नया चलन है, हुकूमत ने जब से जन्नत तामीर की है तब से यही प्रचलन है, पत्थरों को कितना आराम है और नारों को कितना काम, जन्नत टाइम का यही तो है पैगाम, उठने से पहले और सोने के बाद किया कीजिए उनको सलाम, इस जन्नत की कोई मल्लिका नहीं है, हमारी खबरों में कोई खबरिया नहीं है, हमारे लहर है हर तरफ लहरिया नहीं है, जबरा भी है मगर कोई जबरिया नहीं, तो गाओ ओम शांति ओम शांति शांति ओम, मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना वो दीवाना, युवा पत्रकार जान लें कलम है तो लिखने से पहले रख दें, वहां नहीं जिसे पैरवी कहते हैं वहां रखें जाए जिसे गिरवी कहते हैं, ये गीत के समर्थन में नहीं है बल्कि कुछ हो या ना हो ये गीत नहीं है, कभी ना मुझसे कोई पैदा हुआ मिठाई से लेकर बूढ़ी तक जो खाए मैदा ही मैदा, चाटुकारिता को चलो अंजाम दें, चाटुकारिता को चलो एक मकान दें, हो सके तो दुकान दें ना हो सके तो एक मकान दें, कुछ तो मिलना चाहिए ना जीवदूरों में, मैंने यह बुलेटिन कविता छत्तीसगढ़ की घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी है, प्रेरित मतलब क्या था? अब क्या तो एक और छोटी है मैं तो सुना देता हूँ, ये बदमाशी कर रहा था तब की ये सब शरारते हैं, नहीं नहीं इन्हीं दिनों के हैं, जमाने से बहुत बात मर्ज का है एक ही सोल्यूशन, वीसी बोला सेडिशन सेडिशन, देशभक्ति का नया एडिशन, लगा दो सब पर सेडिशन सेडिशन, देशभक्ति मार चौन लगा दो सब पर सेडिशन सेडिशन, दांत चियारो कुछ मत बोलो, बोलो केवल बुलबम बोलो, बोले नहीं कि हुआ रिएक्शन, लगा दो सब पर सेडिशन सेडिशन, यूनिवर्सिटी का है पर्दा गेट, वीसी कर देगा रस्टी केट रस्टी के, अपना वीसी बकलोल है दिमाग में जिसके झोल है, नेशन नेशन करता है टेंशन में ही रहता है, फैशन से भी डरता है अनमन अनमन रहता है, कल्चर कल्चर करता है, एक ही फेस्टिवल रखता है रक्षाबंधन रक्षाबंधन, बाकी सब है वेस्टर्न वेस्टर्न, जो ना
जमाने वो सोच ले, लगा दो सब पर सेडिशन सेडिशन, मना है पूछना क्वेश्चन 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 ही है सेडिशन सेडिशन। थैंक यू। बोझा ढोए राजा का मन है, हंस चले बोझा ढोए राजा का मन है, रोने वालों की तस्वीरें अखबारों में 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 है, राजा घुस टीवी में रोए राजा का मन है, राजा घुस टीवी में रोए राजा का मन है, चौक चौराहे पर जा रोए राजा का मन है। वे चुप है कि उन्हें मालूम है आवाज के कतरे, वे चुप है कि उन्हें मालूम है आवाज के कतरे, वे चुप है कि उन्हें मालूम है चुप्पी से हासिल, चुप है कि धूप में नहीं पके उनके बाल, अनुभवों के बर्फ में भरते विचारों की शराब, वे चुप है। उम्मीद है कि आज अशोक कुमार पांडे जी चुप नहीं रहेंगे, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि हमें अपने कलाम से नवाजे। वे सवाल नहीं पूछते, वे सवालों का जवाब नहीं देते, वे तर्कों के बदले चुप्पियां परोसते हैं, वे झूठ को फैसलापूर्ण आत्मविश्वास से कहते हैं, और हम बस चुप, बस सवाल, बस जवाब, बस तर्क, बस सच। ये सच है कि साफ पानी में कमल कभी नहीं खिलते, पर हमारे सच को भी तुम तुम्हारे होंठ कभी नहीं मिलते। दो, हमारी अलमारियां किताबों से भरी हैं और हमारी जिंदगियां सवालात से। हम हर हत्या के बाद खड़े हुए काले झंडे लिए, हम हर हत्या के पहले शांति जुलूसों में चले, हमने हर वारदात के पहले किया सावधान, हम हर मुसीबत का लिए फिरते रहे समाधान, बस जब गोली चली हम नहीं थे वहां, बस जब जहर बरसा हम किए गए अनसुने, बस जब शहर जला हमें कर दिया गया शहर बदर, हम अपने खामोशियों के गुनहगार रहे, वे जुनून बन के सबके सरों पर सवार। कहाँ है फैजाबाद दिल्ली से कितना दूर, कितना दूर अहमदाबाद से, रामलीला मैदान से कितना दूर, फार्मूला वन रेस के मैदान से कितना दूर, संसद भवन से तो खैर हर चीज हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। टीवी चैनल पर दंगों की खबर नहीं है, वहां लिखा है कल बस कुर्सी बदल रही है। चार, ये किसका लहू है कौन मरा, सवाल पूछ पूछ के दिल अभी नहीं भरा, ये किसका लहू है कौन मरा, सवाल पूछ पूछ के ये दिल अभी नहीं भरा, ये मियां का लहू है, ये बगल वाला हिंदू का, डॉक्टर से नहीं जिन्ना और सावरकर से पूछो, दोनों पहचानते थे अपना लहू, हम पागल थे जो कहते थे लाल है दोनों, हम पागल थे, लहू लाल है एक रंग का कहने वाले पागल थे, बासंती चोले में फांसी चढ़ने वाले पागल थे। आखिरी पांच, कविता से बस उम्मीदों की उम्मीद किए बैठे न रहो, कविता से बस उम्मीदों की उम्मीद किए बैठे न रहो, हम तो हैं अभिशप्त गवैये गीत अमन के गाएंगे ही, चाहे काट तो हाथ हमारे सच का ढोल बजाएंगे ही, तुम कब सच को सच कह के चीख उठोगे बोलो तो, हम तो पाश की मौत मरेंगे, हम तो अदम के शेर कहेंगे, हम तो इस शमशान में भी जीवन का आह्वान करेंगे, तुम कब मुर्दों वाले खेल के बीच खड़े हो हूट करोगे बोलो तो। वसीम, हिंद की मिट्टी में ये क्या जादू है, वसीम हिंद की मिट्टी में ये क्या जादू है, कहीं भी जाऊं मेरा दिल वतन में रहता है। इसके साथ मैं दावत देती हूँ डॉक्टर वसीम राशिद को कि वो आके हमें अपने कलाम से नवाजे। ना तो दौलत ना दीनारो दरहम रखते हैं, हम इसी बात में खुश हैं कि कलम रखते हैं। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरी बहुत ही अजीज दोस्त शिवा साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, इतनी खूबसूरत महफिल में उन्होंने मुझे बुलाया, बट ये मेरी कम अकली समझ लीजिए या मैं बहुत लेट आई हूँ, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, लेकिन ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है क्योंकि मैं पक्की पुरानी दिल्ली वाली हूँ, जामा मस्जिद की रहने वाली, और दीन दुनिया के आंगन में सहन में
मेरा बचपन गुजरा हम लोग अक्सर खेलते हुए जामा मस्जिद से यहाँ तक आ जाया करते थे। तो ये मेरे बचपन का घर है, मेरा मैका है और मैं अपने मैके वालों के बीच में हूँ और साथ में आप सभी दोस्त। बहुत ही अजीब संगम है मेरी शायरी का, सहाफत से मेरा ताल्लुक है, मैं उर्दू टीचर भी रही हूँ और उसके साथ साथ दोनों ही चीजें मेरी शायरी में आ गई हैं, सहाफत भी और समाजी जो भी परेशानियां हैं और आज के हालात हैं वो भी। और जाहिर है शायर बिना रोमांस के तो जी नहीं सकता, तो साथ में रोमांस भी आ गया है। मैं चंद एक चीज सुनाऊंगी आपको अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि चौथी दुनिया उर्दू अखबार की एडिटर रही हूँ बहुत जमाने तक और जाहिर है सहाफत अलग नहीं कर सकते, वो भी मेरे रूह की गजा है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको पहले अपनी सहाफत से मुताल्लिक चंद अशआर सुनाना चाहती हूँ। मसनद पर जो बैठे हैं ये कौन इन्हें समझाएगा, मसनद पर जो बैठे हैं ये कौन इन्हें समझाएगा, आने वाला एक एक लम्हा खतरा बनकर जाएगा, आने वाला एक एक लम्हा खतरा बनकर जाएगा, बस्ती बस्ती चीख रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, बस्ती बस्ती चीख रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, इनको बस ये बात बता दो काला धन कब आएगा। इनको बस ये, मैंने कहा था आप सहाफत से मुझे दूर नहीं कर सकते, इनको बस ये बात बता दो काला धन कब आएगा। और अगर आप इजाजत दें तो एक मतलब चंद शेर में अपने वो सुनाऊंगी जो मैं बहुत आज के जमाने के हिसाब से बहुत मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। मासूम बेगुनाहों का कातिल नहीं रहा ऋषि, मासूम बेगुनाहों का कातिल नहीं रहा, इस्लाम ऐसे फेल में शामिल नहीं रहा, मासूम बेगुनाहों का कातिल नहीं रहा, इस्लाम ऐसे फेल में शामिल नहीं रहा, बावेला मच रहा है जमाने में चार सू हम सब के ऊपर पूरे जो आजकल के माहौल है, बावेला मच रहा है जमाने में चार सू माहौल हक बयानी के काबिल नहीं रहा, माहौल हक बयानी के काबिल नहीं रहा। और मक्का समाज कीजिएगा, ये लोग हमको घोल के पी जाएंगे वसीम, ये लोग हमको घोल के पी जाएंगे वसीम, लहजे में एहतजाज जो शामिल नहीं रहा, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो लोग हमें घोल के पी जाएंगे। मानो साहब ये लोग हमको घोल के पी जाएंगे वसीम, लहजे में एहतजाज जो शामिल नहीं रहा, मासूम बेगुनाहों का कातिल नहीं रहा, इस्लाम ऐसे फेल में शामिल नहीं रहा। और एक मतलब और दो तीन शेर आप लोगों की नजर करते हुए, अलग अलग मूड की मैंने शायरी सुनाई है, एक अलग मूड का मतलब और चंद अशआर। तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है, तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है, मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, वो इत्र बन के मेरे पैरहन में रहता है, मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, वो इत्र बन के मेरे पैरहन में रहता है, तेरी तलाश में थक जाते हैं कदम लेकिन, तेरी तलाश में थक जाते हैं कदम लेकिन, सुकूने सुकूने पल भी शामिल कदम में रहता है, तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है, मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, वो इत्र बन के मेरे पैरहन में रहता है, तेरी तलाश में थक जाते हैं कदम लेकिन, सुकून कल्ब भी शामिल थकन में रहता है। ये शेर खास तौर पर आप सभी की नजर कर रही हूँ
ये बात सच है, नजरियात जिसके छोटे हों, ये बात सच है, नजरियात जिसके छोटे हों, बड़े मकान में भी वो खुदन में रहता है। ये बात सच है, ये बात सच है रहमान मुसफर साहब, ये बात सच है, नजरियात जिसके छोटे हों, बड़े मकान में भी वो घुटन में रहता है। मक्ता समान कीजिएगा वसीम, हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है। आज यौम आजादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और हम यौम आजादी मनाते भी हैं, और अपने देखिए बाहों में भी यौम आजादी संभाल के रखते हैं, और हम ये सभी आज करते हुए आ रहे हैं। वसीम, हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है, कहीं भी जाऊं मेरा दिल वतन में रहता है, कहीं भी जाऊं मेरा दिल वतन में रहता है, तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत इस फजीलाई। कैसे अंधेरे, कैसा अंधेर है एहसास कराने निकले, कैसा अंधेर है एहसास कराने निकले, मशाले लेके जो शहरों को जलाने निकले। इस शेर के साथ मैं रहमान मुसफ्फर साहब का दावत देती हूँ कि वो हमें अपने कलाम से नवाजे। कैसा अंधेर है एहसास कराने निकले, कैसा एहसास कराने, मशाले के जो शहरों को जलाने निकले, मशाले लेके शहरों को जलाने निकले। साउंड मशाले, मशाले लेके जो शहरों को जलाने निकले, और शेर जश्न विरासत के ताल्लुक से कि आपसे मेरा ताल्लुक कोई हल्का तो नहीं, आपसे मेरा ताल्लुक कोई कल का तो नहीं, मैंने लम्हों को खुरेदा तो जमाने निकले। अच्छा शेर है भाई, वाह। आपसे आपसे मेरा ताल्लुक कोई कल का तो नहीं, मैंने लम्हों को खुरेदा तो जमाने निकले। देखिए कि आपसे मेरा ताल्लुक कोई कल का तो नहीं, लम्हों को कुरेदा तो जमाने निकले। कभी गर्मी नहीं होती, कभी सर्दी नहीं होती, कभी गर्मी नहीं होती, कभी सर्दी नहीं होती, न होते आप तो मौसम में तब्दीली नहीं होती। क्या बात है, वाह। शेर ये मैं पढ़ना चाहता हूँ कि खामोशी ने मुकफ्फल कर दिए हैं सारे दरवाजे, खामोशी ने मुकफ्फल कर दिए हैं सारे दरवाजे, अगर हम गुफ्तगू करते गलतफहमी नहीं होती, अगर हम गुफ्तगू करते गलतफहमी नहीं होती। बहुत अच्छे। खामोशी ने मुकफ्फल कर दिए हैं सारे दरवाजे, अगर हम गुफ्तगू करते गलतफहमी नहीं होती। और ये धान छत पर हो खुले रात में पानी पड़ जाए, धान छत पर हो खुले रात में पानी पड़ जाए, यानी चक्कर में फकीरी के जवानी पड़ जाए। शेर ये सुनाना चाहता हूँ कि मतला बराए मतला सुनाया, ए जैसे चक्कर में फकीरी के जवानी पड़ जाए, क्या जमाना हमें ईसा की तरह मानेगा, क्या जमाना हमें ईसा की तरह मानेगा, अपनी ही लाश अगर हमको उठानी पड़ जाए, क्या जमाना हमें ईसा की तरह मानेगा, बहुत अच्छे बाबा, अपनी ही लाश अगर हमको उठानी पड़ जाए। ये भी शेर के है, ये मुर्दों का नगर, गौर साहब, है ये मुर्दों का नगर, जेब में माचिस रखिए, क्या पता है कि कहां आग लगानी पड़ जाए। ये मुर्दों का नगर, जेब में माचिस रखिए, क्या पता है कि कहां आग लगानी पड़ जाए, क्या पता है कि कहां आग लगानी पड़ जाए। वो कहते थे कि देखो चींटियों के पर निकल आए,
वो कहते थे कि देखो चींटियों के पर निकल आए, बस इतनी बात की हम छोड़कर जो घर निकल आए। और हमारे शहर में सर की हिफाजत मसाला ठहरा, हमारे शहर में सर की हिफाजत मसाला ठहरा, इसे मालूम है किस संत से पत्थर निकल आए। क्या अच्छा शेर का है, वाह वाह, संत से पत्थर निकल आए। और जो शेर इसमें खास आपकी नजर है वो ये कि किसे मालूम है किस संत से पत्थर निकल आए, मुसव्विर लोग कुछ बाहर के अंदर जम के बैठे हैं, मुसव्विर लोग कुछ बाहर के अंदर जम के बैठे हैं, जिन्हें अंदर ही रहना था वो सब बाहर निकल आए। मुसव्विर लोग सब बाहर के अंदर जम के बैठे हैं, जिन्हें अंदर ही रहना था वो सब बाहर निकल आए। और इस सिलसिले के आखिरी दो तीन शेर कि कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। और जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है। और बेटियों के नाम के उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, उसे हम पर तो देते हैं, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत हमारे यहाँ एक कथा चलती है और भारतीय कथाओं में रोग और तपस्या का बहुत गहरा रिश्ता है। हर आदमी तपस्या करता है कुछ न कुछ मांगने के लिए, कोई समाज के लिए मांगने, खुद निज के लिए, खुद के लिए मांगने के लिए तपस्या करने का। तो एक तपस्या कर रहा था भगवान की, और जब भगवान प्रकट हुए तो उसने कहा कि मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए। तो उन्होंने अपना शंख उसे दे दिया और कहा कि लो इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। जब वो चला रास्ते में तो उसने एक शंख ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें से आवाज़ आई कि तुम कहाँ गए थे और क्या लेकर आ रहे हो। उसने अपनी पूरी बात बता दी तो उसने कहा कि तुम बेवकूफ हो, अरे इस शंख से तो जो मांगोगे वही देगा, मुझे ले चलो, तुम जो मांगोगे उसका दो गुना मैं दूंगा। तो उसने उसको ले लिया, उसको फेंक दिया भगवान के दिया शंख को, और फिर उस शंख को उठा लिया, क्या बोला मेरा ये घर बन जाए, शंख से आवाज आई तुम्हारे दो घर बन जाए। उसने जो वो बहुत मुश्किल है इसको संभालना, तो मैं खुद को संभालूं या माइक को संभालूं समझ में नहीं आता, लेकिन फिर ये जो भी मांगता था वो आवाज़ आती थी कि दो गुना मिल जाए, होता कुछ नहीं था, मिलता कुछ नहीं था। जब पूछा कि अरे भाई ये कौन से शंख हो तुम, सिर्फ कहते हो दो गुना हो जाए, मिलता कुछ नहीं है। तो उसने कहा अहम डपोर शंख बदामी तदामी न, मैं डपोर शंख बोलता हूँ देता कुछ नहीं। इसी कथा पर आधारित एक कविता है। 14 में डपोर शंख बहुत तेजी के साथ बजा था, तो 14 में डपोर शंख बहुत तेजी के साथ बजा था, तो उसके बाद 6 महीने के बाद लिखी हुई कविता है यह। डपोर शंख वायदे करता है, फिर वायदे पूरे करने का वायदा करता है। जीवन में जितनी हो वचन में दरिद्रता क्यों, बोलने में दरिद्रता क्यों हो, बहुत भाषाएं नहीं जानता लेकिन वह भाषा खूब जानता है जिसे इस देश की जनता बूझती है। तभी तो चुनावी बंसी में सपनों की बोटी लगाता है और मछलियों की तरफ फंसते चले जाते हैं लोग। उसे सफाई बहुत प्रिय है जैसे हाथ की सफाई। उसे सफाई बहुत प्रिय है जैसे हाथ की सफाई, पर सबसे ज्यादा जुबान की सफाई। वह नदियों को साफ करता है,
अब ये माइक से बड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं शायद बहुत ठीक से पढ़ पाऊँ। वह नदियों को साफ करता है, सड़कों को साफ करता है, रिश्तों को साफ करता है, मतभेदों को साफ करता है, संसद को साफ करता है, संविधान को साफ करता है, उसके बाद देश का सफाया तो हो ही जाना है, उसके बाद देश का सफाया तो हो ही जाना है। उसने कथा वाले टकोर संघ के मूल मंत्र बदामी ददामी न के न को बीच में ला दिया है। उसका नारा है बदामी न ददामी, इसका दोनों अर्थ होता है। बदामी मैं बोलता नहीं हूँ देता हूँ, और मैं बोलता हूँ देता नहीं हूँ, दोनों अर्थ कर दिया है। इस छोटे से बदलाव से कितना कुछ बदल गया है कि बैठे थाले अच्छे दिन आ गए। इस छोटे से बदलाव से कितना कहीं भी रखे तब सर, आप भी नहीं हो पाएगा। इस छोटे से बदलाव से कितना कुछ बदल गया है कि बैठे थाले अच्छे दिन आ गए हैं। वह बोलना शुरू करता है धीरे धीरे, भाषा शब्दों के समूह में बदल जाती है, धीरे धीरे भाषा शब्दों के समूह में बदल जाती है। विचार तो उसने पहले ही बाजार को दे दिया था, उसका काम केवल ध्वनियों से चलता है, उसका काम केवल ध्वनियों से चलता है। इस तरह हुआ जो पहले गपोड़ की तरह आया था, धीरे धीरे टपोर में बदल गया। और मैं चाहता था कि इधर की गुणगान सुनाऊं, लेकिन अब करूं क्या। दूसरा संकट ये है कि इसमें भी वो है, मुझे लगता है बैटरी लो हो चुका है, तो इससे भी नहीं कर सकता। तो तब तक एक कविता मैं पढ़ता हूँ, चूँकि अभी मैडम ने काला धन की चर्चा की है, तो एक कविता काला धन को लेकर। एक बाबा है जो सबसे पहले काला धन वही ला रहे थे, और बाद में वो अब क्या क्या ला रहे हैं बाजार में सब लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा उनका नाम बदल दिया है, उनकी इज्जत का ख्याल रख सकते। काला धन काला धन बोलो बाबा राम बदन, कहाँ छुपा है काला धन। कितना यह अनुलोम है वो सब करते हैं, कितना यह अनुलोम है, कितना यह विलोम है। तुम कुंभक साधे बैठे हो, हाथ पांव बांधे बैठे हो, हट छोड़ो बतला दो बाबा, ओम में है कि होम में है, ओम में है कि होम में है। एलोवेरा की टिकिया में या शिलाजीत की गोली में, एलोवेरा की टिकिया में या शिलाजीत की गोली में, दलिया में या च्यवनप्राश में या की चंदन रोली में, दलिया में या च्यवनप्राश में या की चंदन रोली में। अब तो जरा पलट दो बाबा, क्या है तेरी झोली में, अब तो जरा पलट दो बाबा, क्या है तेरी झोली में। ऐसे क्यों चुप भी साधे हो, साधु होकर यह खंगन, बोलो बाबा राम बदन, कहाँ छुपा है काला धन। आशा राम की कुटिया में या रामपाल के छप्पर में, इन सब मानों को आप जाते होंगे, बताने को आसाराम की कुटिया में या रामपाल के छप्पर में, नित्यानंद के तहखाने में या प्रज्ञा के खप्पर में, संत महात्मा होकर भी तुम बात छुपाए बैठे हो, किसका डर है, क्यों हो चुप मात छुपाए बैठे हो। अब तो त्राटक छोड़ो बाबा, रामलीला मैदान में आओ, अब तो त्राटक छोड़ो बाबा, रामलीला मैदान में आओ। गए दिन सलवारों के, अब सलवार पहन के भागे, गए दिन सलवारों के, अब निर्भय हो भगवा लहराओ। बातों की बरसात बहुत हुई, कब बरसेगा धन आंगन, बोलो बाबा राम बदन, कहाँ छुपा है काला धन। इसके साथ मैं असद जैदी साहब को दावत देती हूँ कि वो इसे आगे पढ़े और हमको अपने कलाम से नवाज दे। मुझे याद है 10 साल पहले जब 1857 150वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, उस जमाने में मनमोहन सिंह की सरकार थी, और ये तय किया गया था कि इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाए, काफी सरकारी कोर्स उसके लिए मंजूर किए गए। उस वक्त मेरे मन में कुछ अजीब सी चीजें घूमा रही थी। एक बात तो ये है कि ये उस प्रधानमंत्री के जरिए किया जा रहा था, वो दुनिया में कई बार जाके अंग्रेजों से इस बात के लिए माफी मांग चुका था कि हमें आपसे लड़ना पड़ा, और ये कि हम आपके विरुद्ध नहीं थे, हम तो स्वराज की मांग कर रहे थे। दूसरी बात जो हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, ये है कि 1857 की डिफीट के बाद, उस पराजय के बाद, एक लंबा अरसा
ऐसा गुजरा जिसमें हमारे जो डोमिनेंट क्लासेस हैं, जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, जो ट्रेडर्स है, जो इंटेलिजेंशिया है, उसने 1857 के पीछे जो पैराडाइम थी उनको अबेंडन कर दिया। देयर इज एब्सोल्यूट साइलेंस अबाउट 1857 फॉर नेक्स्ट 70 or 80 ईयर्स। 1920 के दहाई में जब नेशनल मूवमेंट कुछ आगे बढ़ा, जब राष्ट्रवादी स्वर मजबूत हुए, तब जाकर 1857 को हमारी सो कॉल्ड नेशनल क्लासेस में ऑन करना शुरू किया। सो दिस बिग साइलेंस ऑफ 70 और 80 ईयर्स बाय द इंटेलिजेंशिया, जिनके एंसेस्टर्स एक्चुअली लॉयलिस्ट रहे थे और ब्रिटिश रूल के बेनिफिशियरी थे, तो ये एक मिक्स फीलिंग पैदा होती है उस सेलिब्रेशन के वक्त मेरे उसमें, और ये कविता कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। 1857 सामान की तलाश, 1857 की लड़ाइयाँ जो बहुत दूर की लड़ाइयाँ थी, आज बहुत पास की लड़ाइयाँ हैं। लानी और अपराध के इस दौर में जब हर गलती अपनी ही की हुई लगती है, दिखाई सुनाई दे जाते हैं गदर के नगाड़े, और एक खालिस हिंदुस्तानी शोरगुल भयभीत दलालों की और मुखबिरों की फुसफुसाहटें, पाला बदलने को तैयार ठिकानेदारों की बेचैन चहलकदमी। हो सकता है ये कालांतर में लिखे उपन्यासों और व्यावसायिक सिनेमा का असर हो, पर ये उन 150 करोड़ रुपयों का शोर नहीं जो भारत सरकार ने आजादी की पहली लड़ाई के 150 साल बीत जाने का जश्न मनाने के लिए मंजूर किए हैं। उस प्रधानमंत्री के कलम से जो आजादी की हर लड़ाई पर शर्मिंदा है और माफी मांगता है पूरी दुनिया में, जो एक बेहतर गुलामी के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है, ये उस 57 की याद है जिसे पोंछ डाला था एक अखिल भारतीय पदलोक ने अपनी अपनी गतियों पर बैठे बंकिमों और अमीचंदों और हरिश्चंद्रों और उनके वंशजों ने, जो खुद एक बेहतर गुलामी से ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे, जिस 57 के लिए वितृष्णा और मौन के सिवा कुछ नहीं था, मूल शंकरों, शिव प्रसादों, नरेंद्र नाथों, ईश्वर चंद्रों, सैयद अहमदों, प्रताप नारायणों, मैथिली शरणों और रामचंद्रों के मन में, और हिंदी में और हिंदी के पत्र साहित्य में जिसकी पहली याद 70-80 साल के बाद सुभद्रा ही को आई। ये उस सिलसिले की याद है जिसे चिल्ला रहे हैं अब 150 साल बाद आत्महत्या करते हुए इस जमीन के किसान और बुनकर, जिन्हें बलवाई भी कहना मुश्किल है। आचार्य रामजी किशो को 1857 के विद्रोहियों को बलवाई कहा जाता है, जिन्हें बलवाई भी कहना मुश्किल है, और जो चले जा रहे हैं राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय भुखमरी के सूचकांकों की खुराक बनते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निकलकर सामूहिक कब्रों और मरघटों की तरफ एक उदास मटमैले और अराजक जुलूस की तरह, इसने कर दिया है उन्हें इतना अकेला। 1857 में मैला कुचैलापन आम इंसान की शायद नियति थी, सभी को मान्य, आज वो भयंकर अपराध है। लड़ाइयां अधूरी रह जाती हैं अक्सर बाद में पूरी होने के लिए किसी और युग में किन्हीं और हथियारों से। कई दफे तो वो मैले कुचैले मुर्दे ही उठकर लड़ने लगते हैं फिर से,
जीवितों को ललकारते हुए जो उनसे भी ज्यादा मृत हैं, पूछते हैं उनके टुकड़े और रिसाले का और सरदार का नाम, या हमदर्द समझकर बताने लगते हैं अब मैं बख्तावर की तरफ, अब मैं नजमगढ़ की तरफ जाता हूँ, या थिटक कर पूछने लगते हैं बख्तावरपुर का रास्ता। 1857 के मृतक कहते हैं भूल जाओ हमारे सामंती नेताओं को, और कि किन जागीरों की वापसी के लिए वो लड़ते थे और हम उनके लिए कैसे मरते थे। कुछ अपनी बताओ, क्या अब दुनिया में कहीं भी नहीं है अन्याय, या तुम्हें ही नहीं सूझता उसका कोई उपाय। शुक्रिया। कमल हल्दा साहब बहुत बेबाक शायर हैं, और मैं उन्हें दावत देती हूँ कि हमें अपने कलाम से नवाजे। ये नज़्म सुन लीजिए, बाहर लौट आएगी हवा चली तो पतझड़ों ने धरतियों को चूम कर कहा बाहर आएगी, हवा चली तो पतझड़ों ने धरतियों को चूम कर कहा बाहर आएगी, खिजा है चंद रोज की बहार लौट आएगी, बहार वो के जिसकी धुन में मजनू ने बेखतर नई हदों को छू लिया, बहार वो के जिसको रहबरों ने फाके खो दिया, बहार वो के जिसको रहजनों के हाथ बेच कर खिजा खरीद लाए थे, ये रहजनों की रहजनी तो रंगे संगे नहीं लेगा, ये रहजनों की रहजनी तो संगे नीले राख है, जो जिंदगी की मोहनी से अब भी तुझको चाह है, उठा रबाब कहत कर मैं जिंदगी की शान में फिर कसीदे गाऊंगा, मैं फिर से लौ लगाऊंगा, मैं फिर से दिल जलाऊंगा, करूंगा फिर से तेज तर कलम के नश्तरों की धुन, करूंगा फिर से तेज तर कलम के नश्तरों की धुन, मैं मेहनतों के देवता से फिर कहूंगा या खुदा समेट ले वजूद को, वजूद को समेट कर तू अपनी चुप तोड़ दे, फिर एक बार लफ्ज कुन से हो नया जहां आता, फिर एक बार लफ्ज कुन से हो नया जहां आता, वही समर हो फिर आता के जिसको चक के कह सकूं मुझे जहान चाहिए, जहान वो कि जिसमें मुझको जुर्रत गुनाह हो, जहान वो कि जिसमें मुझको जुर्रत गुनाह हो, ये स्वर्ग नरक साथ हैं शराब ही शराब हैं, जो चंद एक हैं इधर उधर तो लाखों लाख हैं, मुझे तो अपनी धरतियों पे ही बहार चाहिए, मुझे तो अपनी धरतियों पे ही बहार चाहिए। आजकल हम सब पे कुछ ऐसा अताब नाजिल है कि हमें खामोश रहने की बहुत सलाह दी जा रही है लगातार, और अगर कुछ बोल दें तो देशद्रोह भी हो जाते हैं। लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी जमा पर ताला है, लो आंखें मैंने बंद कर ली, लो परचम सारे बांध लिए, नारों को गले में घोट दिया, एहसास के ताने बाने को फिर मैंने हवाले दार किया, लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर ताला है, इल्जाम ये आयत था मुझ पर हर लफ्ज मेरा एक नश्तर है, जो कुछ भी लिखा जो कुछ भी कहा वो देशद्रोही ठहरा कर हुक्म किया था ये सादिर, तहजीब के इस गहवारे को जो मेरी नजर से देखेगा वो एक मुल्ज़िम कहलाएगा, लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर ताला है, जो इश्क के नगमे गाएगा, जो प्यार की वाणी बोलेगा, जो बात कहेगा गीतों में, जो आग बुझाने उठेगा, जो हाथ पकड़ दे कातिल का वो एक मुजरिम कहलाएगा, लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर ताला है, खामोश हूं सन्नाटा है क्यों सहमे सहमे लगते, खामोश में सन्नाटा है क्यों सहमे सहमे लगते हो, हर एक ज़बां पर ताला है क्यों सहमे सहमे लगते हो, हाँ सन्नाटे की गूंज,
हाँ सन्नाटे की गूंज सुनो है लफ्ज वही अंदाज वही हर जाबिर जालिम हर कातिल इस सन्नाटे की इज्जत पर है खामोशी को खामोश करो ये बात तुम्हारे बस में नहीं खामोशी तो खामोशी है फैल गई तो फैल मंगलेंद्र दबराल साहब तो खैर सभी के जाने माने शायर हैं आपको अनेक सम्मान मिल चुके हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं और वापस भी किया है आप वो सम्मान बढ़ा है ये मैं थोड़ा सा जरा इसमें हालांकि हिस्ट्री की बातें मुझे मालूम होना चाहिए था लेकिन ये इतिहास में जरा मैं सर्टिफिकेट पीछे आगे का नहीं मालूम था मॉडर्न हिस्ट्री मैं मेरी स्टूडेंट हूँ परछाई उतनी ही जीवित है जितने तुम्हारे आगे पीछे या तुम्हारे भीतर छिपी हुई या वहाँ जहाँ से तुम चले गए हो मंगलेंद्र दास साहब नया डर पुराने समय में डर एक जानी पहचानी चीज था वो अक्सर किसी महल से राजसी पोशाक में निकलता उसके टहलने पर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता चिड़िया सहम कर चुप हो जाती कभी वो चौराहों बस्तियों में डुबडुबी बजाता पकड़ चुका कहता हुआ सावधान हो जाए सब राजा उसके कारिंदों ब्राह्मणों और ऋषियों के खिलाफ बोलना अपराध है कालकोठियां और मृत्यु दंड के लिए रस्सियां तैयार हैं डराने के तरीके इन्हें चुने थे सजाएं भी कमोवेश नियत थी अवज्ञा विद्रोह विश्वासघात राजन कहकर संबोधित न करने पर भी छोटी बड़ी सजा धर्म ग्रंथों को पढ़ने सुनने पर कानों में पिघला हुआ शीशा और भीख प्रेमियों को चिन्हवाने के लिए दीवारें ऐसा भी हुआ कि कोई कभी राजा की बेटी को पढ़ाने गया और उसके प्रेम में पड़ गया लेकिन जब उसे सजा देने के लिए ले जाया गया तो वह सुनाने लगा विरह की एक सुंदर कविता राजा सजा देना भूल गया उसने कवि को बेटी ब्याह दी स्वर्ण उसने कवि को बेटी ब्याह दी स्वर्ण मोहरों के साथ इस तरह फिरे कवि के दिन एक बार पकड़ा गया था एक शातिर चोर उसने भी राजा को एक श्लोक सुनाकर मुक्त कर दिया ये घटनाएं अफवाह की तरह थी लेकिन कई काव्य लेकिन कई बड़े काव्य इन गुप्त प्रेमियों और चोरों की लेकिन कई काव्य इन गुप्त प्रेमियों और चोरों की प्रतिभा से संभव हुए नया घर किसी महल से नहीं कहीं से भी प्रकट हो सकता है वो अनिश्चित अपरिभाषित है पहले के डरों से अलग उसके तरीके भी बढ़े और बदले हुए हैं उसका समय और जगह तय नहीं है वह रास्ते में किसी मोड़ पर किसी सभा में मिल सकता है सुबह शहर पर निकलते हुए हत्यारे की गोली की शक्ल में तो खाना खाते हुए हाथ के कौर और मुंह के बीच घुस सकता है अकाल के बीच कुसुम की तरह खिला हुआ इसने तुलसीदास की चौपाई है जब अकाल की कुसुम दवानी भयदायक कल की मेहरबानी मुझे भी अकाल के कुसुम भया अकाल में खिला हुआ फूल अकाल के बीच कुसुम की तरह खिला हुआ वो ताकत पर मुस्कुराहटों खामोशियों और प्रेम जैसी चीजों में भी छिपा हुआ रहता है डराने का काम भी मार दिया गया है समाज में भय का एक बुरा लोकतंत्र है और डर उपजाना एक नया रोजगार कुछ बोलने लिखने कुछ खाने पीने पहनने से पहले लगता है कुछ है जो उन्हें भूल रहा है सजाएं भी उतनी ही अनिश्चित हैं
जो डराता है उसकी कामयाबी इस डर को बुनियादी बनाने में है कि कब कहां कौन सा डर सामने आ जाएगा, कब कहां कौन क्या सजा सुनाएगा और सजा देने वाले का सुराग नहीं मिल पाएगा। दूसरी है उसका नाम है हमारे देवता। हमारे देवता बचपन से ही हमारे साथ रहते थे, कोई हमारी ही तरह छोटे दुबले और हम उम्र थे। सार्वजनिक और अपराक्रमीय देवताओं के साम्राज्य में उनका अस्तित्व व्यक्तिगत किस्म का था। सुंदर सर्वशक्तिमान संप्रभु स्वयं सशस्त्र देवताओं से अलग उनके चेहरे बेदौल बिना तराशे हुए अक्सर नंगे पैर हुए हमारे हाथों में हाथ लिए हुए चलते थे। हम उनसे ज्यादातर अपने दुख और कभी अपने सुख भी बताते। उनके पास रहने के लिए बड़े तो क्या छोटे मंदिर भी नहीं थे। वे घर से बाहर कम जाते या कभी कभी उनका सफर कुछ दूर पत्थरों को जोड़कर बनाए गए ठिकानों तक होता जहाँ नींव उजाने में वे मुश्किल से पहचाने जाते। हमारे देवता ताकतवर देवताओं से घबराए हुए और चुप्पे थे। उनके लिए उन जगमग मंदिरों में कोई जगह नहीं थी जहाँ ढोल नगाड़े बजते अनुष्ठान तुम्बुल नाद होता आवाहन ध्यान स्तुति घंटियां घड़ियाल बलियां मंत्रोच्चार ब्रह्माओं विष्णुओं वामनों इंद्रों के समय में हमारे देवता किसी बुद्ध की तरह आत्म में लीन रहते। दुर्गाओं कालियों अष्टभुजाओं सिंहारूढ़ों खड़ग खप्पर धारिणियों के सामने हमारी देवियां भी पुरानी साड़ी पहने हुए औरतें थीं। बहुत सी वह अनजानी बीमारियों से पीड़ित जो जमीन पर बैठी अपने पैरों या हाथों के नाखून कुरेदती रहती। हमारे देवता आंखें खोलकर हैरानी से देखते शक्तिशाली देवताओं के जुलूस ठक के ठक हथियार बंद चले आ रहे हैं। तलवारें त्रिशूल भाले बंदूकें आग्नेयास्त्र लहराते उन्हें मुक्त हस्त लोगों के बीच बांटते हुए सड़कों गलियों चौराहों पर पड़ते हुए तब हमारे देवता किसी अज्ञात जगह दुबक जाने की सोचते। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता था। हद से हद वे जमीन से कुछ पत्थर उठा सकते थे लेकिन वे उन्हें फेंकने में भी संकोच करते। सार्वजनिक देवता जब रात को सुख शैयाओं पर सो जाते हमारे देवता व्याकुल होकर जागते रहते। उन्हें बार बार लगता हमलावर देवताओं की फौजें उनकी थोड़ी सी जमीन उनके ठिकाने हड़पने उन्हें बेदखल करने आ रही हैं। हमारे देवता किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता पाते थे। कभी कभी उनके भीतर से एक आर्त पुकार सुनाई देती थी। आखिरी कविता मैं सुना देता हूँ आपको। ये प्रोज में लिखी गई है और इसमें एक पंक्ति असद की आती है, असद जैदी की, इसलिए वो इन्हीं की नजर है। इसका नाम है निकोटिन। अपने शरीर को रफ्तार देने के लिए सुबह सुबह मेरा रक्त निकोटिन को पुकारता है। अर्ध निमीलित आंखें निकोटिन की उम्मीद में पूरी तरह खुल जाती है। अपने अस्तित्व से और अतीत से भी यही आवाज आती है कि निकोटिन के इतने ही अनुभव तुम्हारे भीतर सोए हुए हैं। सुबह की हवा खाली पे ऊपर खुला हुआ आसमान जो अभी गंदा नहीं हुआ है बचपन के उस पत्थर की याद जिस पर बैठकर मैंने अपनी पहली बीड़ी सुलगाई और देह में दस्तक देता हुआ मैं मानसन निकोटिन जीवन के पहले प्रेम जैसे स्पंदन और धुआं उड़ाने के लिए सामने खुलती हुई दुनिया। डॉक्टर कई बार मना कर चुके हैं कि अब आपको दिल का ख्याल रखना ही होगा और मेरी बेटी बार बार आकर गुस्से में मेरी सिगरेट बुझा देती है लेकिन इससे क्या मेरे सामने एक भयंकर दिन है और पिछले दिन की बुरी खबरें देखकर लगता है यह दिन भी कोई बेहतर नहीं होने जा रहा और उससे लड़ने के लिए मैं सोचता हूँ मुझे निकोटिन चाहिए। मुझे पता है हिंदी का एक कवि असद जैदी अपने एक कविता में बता चुका है कि तंबाकू के नशे से आदमी दुनिया की चाल भूल जाता है। इस दुनिया की चाल भूलने के लिए मुझे निकोटिन चाहिए। दिन भर के अत्याचारियों तानाशाहों हत्यारों से लड़ने के लिए
जब मुझे कोई उपाय नहीं सूझता तो मैं निकोटिन को खोजता हूँ। और फिर रात को जब दिन भर की तमाम वारदात मेरे चारों ओर काले धब्बों की शक्ल में मुझे घेरती हैं तो लगता है मुझे रात का निकोटिन चाहिए। सच तो यह है कि जिन चीज़ों के बल पर मैं आज तक चलता चला आया हूँ उनमें किसी न किसी तरह का निकोटिन मौजूद रहा। जैसा कि मैंने अपने कविता पाठ से पहले बताया भी था, आज हिंदी ने अपना एक बुजुर्ग खो दिया है, चंद्रकांत देवतारे। जो लोग हिंदी साहित्य से वंचित हैं जानते हैं चंद्रकांत देवतारे के बारे में। तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रकांत देवतारे कर रहे हैं। उनकी ओर से उनकी एक छोटी सी कविता मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मेरी आपसे अपील होगी जो लोग जा रहे हैं उनसे भी कि कम से कम इस चीज के लिए रुक जाए कि अपने बुजुर्ग कवि को हम दो मिनट का मौन रखकर सम्मानित। ये मेरी बहुत प्रिय कविता है चंद्रकांत देवतारे जी के लिए। मैंने एक कविता लिखी थी उसमें इसका जिक्र भी आया था। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मत करो कुछ ऐसा कि जो किसी तरह सोए हैं उनकी नींद हराम हो जाए। हो सके तो बनो बहरुए वो सपनों से बचाने के लिए उन्हें। गाओ कुछ शांत मध्यम नींद और पके उनकी, जिससे सोए हुए बच्चे तो नन्हे फरिश्ते ही होते हैं और सोई स्त्रियों के चेहरों पर हम देख ही सकते हैं थके संगीत का विश्राम। और थोड़ा अधिक आदमी होकर देखेंगे तो नहीं दिखेगा सोए दुश्मन के चेहरे पर भी दुश्मनी का कोई निशान। अगर नींद नहीं आ रही हो तो हंसो थोड़ा, झांको शब्दों के भीतर, खून की जांच करो अपने, कहीं ठंडा तो नहीं हुआ। इसी के साथ मैं दो मिनट के मौन की अपील करूंगा। जो जहां है वहां खड़ा हो जाए।